गुड आफ्टरनून बेटा, आज हम क्लास फिफ्थ पढ़ाने जा रहे हैं और सब्जेक्ट बेटा है आपका इंग्लिश। और आज बेटा हम पढ़ाने जा रहे हैं एसे द काऊ। काऊ का मायने होता है बेटा गाय, ठीक है। तो इसमें है द काऊ इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल। जो काऊ है वह क्या है, गाय क्या है, एक पालतू जानवर है। इट हैज़ टू ईयर्स एंड टू आइज। इसके दो कान होते हैं और दो आंखें होती हैं। इट हैज़ टू शार्प हॉर्न्स। इसके दो क्या होते हैं, तेजदार सिंग होते हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग टेल एंड फोर लिम्ब्स। इसकी क्या होती है, एक लंबी पूंछ होती है। और इसके जो चार क्या होते हैं बेटा, थन होते हैं, है ना। इट ईट्स ग्रीन ग्रास। ये क्या खाती है, हरा घास खाती है। इट गिव्स अस द स्वीट मिल्क। ये हमें एक बहुत ही स्वीट मिल्क देती है। द मिल्क ऑफ काऊ इज यूज्ड इन मेकिंग घी, दही एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज। जो गाय का जो दूध होता है वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, घी बनाने में, दही बनाने में, और जो और प्रोडक्ट होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं, है ना, उनको बनाने में क्या करता है, मिल्क हमारे काम आता है। तो मिल्क दूध होता है बेटा। द मैन्यूर ऑफ काऊ इज आल्सो यूजफुल फॉर मैनी पर्पस। जो इसका जो मैन्यूर होता है ना, जो उसकी गोबर से जो खाद बनती है ना, वो फसलों में हम डालते हैं, वो बहुत सारे पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा इसका इट्स मिल्क इज़ वेरी हेल्थी। जो इसका दूध होता है बहुत ही हेल्थी होता है। द काऊ इज़ फाउंड इन मैनी कलर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो गाय होती है वो बहुत सारे कलरों में पाई जाती है, और पूरे संसार में पाई जाती है। तो ये था बेटा आपका एसे द काऊ, ठीक है। थैंक्स।